इस एक लेक्चर के अंदर जो चीज आपको मैं बताने वाला हूं अगले लेक्चर से पहले आपने दो बेसिक आई जो हैं वो जनरेट करनी है और उनकी एपीआईज़ जो हैं वो किस तरीके से आप अपने पास सेव कर सकते हैं यू हैव टू थिंक अबाउट इट पहली वेबसाइट पहली वेबसाइट का नाम है हगिंग फेस हगिंग फेस के ऊपर अपने अपनी आई बनानी है दूसरी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट का नाम है ओपन ए और आपने ओपन ए की ए के थ्रू अपनी आई बनानी है कैसे मैं भी आपको बताता हूँ आप गूगल पे जाएंगे गूगल पे जाने के बाद आप हगिंग फेस के ऊपर जाएंगे जो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है तो मैं यहाँ पे आपको ले जाता हूँ आपने हगिंग फेस की आईडी जो है उसे जनरेट करना है ये हगिंग फेस इस तरीके से लिखेंगे विच हैव अ लॉट ऑफ मॉडल्स और यहाँ से आप अपनी आईडी के साथ लॉग इन कर लेंगे ठीक है फ्री वाली आपने करनी यू डोंट नीड टू पे एनी और यहाँ पर गूगल पे जाने के बाद अगर आप ओपन ए लिखते हैं तो यहाँ पर ओपन ए जी ठीक है आपने ओपन ए आई की भी अपनी लॉग इन आई डी जो है उसे बना लेना है बिकॉज नाउ फॉर द नेक्स्ट डेज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन लैंग चेन और लैंग चेन क्या होती है वो बेसिकली इन ए पी आईज़ को यूज़ करके यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स और आप चैट बोर्ड्स वगैरह यू कैन डू आई मीन वनडर्स आई वुड से सो लैंग चेन जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर लैंग चेन क्या है ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं वी आर गोइंग टू लर्न इन अपकमिंग लेक्चर्स और लैंग चेन के ऊपर हम जनरेटिव ए की बेस पे सब चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म करने वाले हैं so, सो अगर आप गौर करें तो लैंग चेन के अगर डॉक्स पे आप जाएं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यू विल सी के यस, यू विल सी कि आप यहाँ पे बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं कैसे कौन कौन सी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हैं यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड है कुक स्टार्ट गाइड के अंदर आप इसको इंस्टॉलेशन देखेंगे एलएलएम क्या होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे काम करते हैं यानी कि ओपन एआई को आप लोकली चला सकते हैं अपनी एप्स के अंदर भी और आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और अगले लेक्चर के में चेन को यूज़ करते हुए हम स्ट्रीमलिट के ऊपर जाएंगे इन मॉडल्स की ए को यूज़ करने के बाद हम बेसिकली कोई भी एक ऐप बना सकते हैं चैट जी की तरह की और चैट जी के अलावा हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को और भी तरीके से यहाँ पर लोकली हम लगा सकेंगे एंड देन अगर आप यहाँ पे आएँ आप चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट जनरेशन मॉडल को यूज करके आउटपुट कर सकते हैं इंटायर पाइपलाइन जनरेट कर सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिस ठीक है एंड देन एट दी एंड अगर आप कुक कुक बुक के ऊपर क्लिक करें सो वट यू कैन डू यू कैन एक्चुअली जनरेट प्रॉम्प्ट प्लस एल एल एम एंड रैग एंडर मल्टीपल चेंज बना सकते हैं और क्यूरी कर सकते हैं एसक्यूएल डैशबोर्ड की उसकी एक ऐप बना सकते हैं एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं कोड को राइट कर सकते हैं एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स तो लैंग चें करती क्या है बेसिकली ये आपका करंट वर्क फ्लो के अंदर कोई एपीआई को आप अटैच करके आप बेसिकली डिफरेंट एक दो या तीन मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हैं या एक ही मॉडल के अंदर इनपुट आई है उसको रिफाइन किया उसको प्रेजेंट किया प्रेजेंट करने के बाद जनरेट टेक्स्ट किया तो आप चैट जीपीटी को लोकली भी यूज़ कर सकते हैं एंड दैट्स साउ वी आर गोइंग टू वर्क इनशाला इन द नेक्स्ट लेक्चर और इस वजह से हगिंग फेस की आई डी प्लस ओपन ए आई की आई डी ये दो आई डीज लॉग इन आई डी ज़रूर बना लें ताकि आप अगले लेक्चर में हमारे साथ चल सकें क्लियर हो गया समझते गए ही हो गए